हे गाइस, वेलकम बैक टू मूवीज बोर्ड। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे 2011 में आई हुई सभी साइंस फिक्शन मूवीज की, जो कि सबसे बेस्ट साइंस फिक्शन मूवीज हैं। मैंने आपको बताया था कि मैं साइंस फिक्शन मूवीज के ऊपर एक सीरीज आ रहा हूँ, जिसके अंदर मैं हर साल की सबसे बेस्ट साइंस फिक्शन मूवीज को कवर करूंगा, और उसी कड़ी में थर्ड वीडियो जिसके अंदर हम 2011 की सबसे बेस्ट साइंस फिक्शन मूवीज को कवर करेंगे। और बिलीव मी, इन सभी मूवीज को मैंने पर्सनली देखा और मुझे मूवीज बहुत ज्यादा पसंद आई हैं। अगर आपका दिन खराब जा रहा है या आप बोर फील कर रहे हैं, तो ये मूवीज को आप देखिए, आपका दिन बन जाएगा। आप इन मूवीज को देख के कहीं से भी फील नहीं करेंगे, आपको इन मूवीज को देखने में बहुत ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि ये मूवीज आपको अपने साथ अपनी फिक्शनल दुनिया में लेकर डूब जाएंगी। इस वीडियो के अंदर हम टोटल 9 मूवीज को कवर करेंगे, जो मोस्ट ऑफ द मूवीज हिंदी में ही अवेलेबल है। सो बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, हमारी 9th मूवी सुपर 8, जो मूवी 2011 में आई थी, ये एक एक्शन मिस्ट्री साइंस फिक्शन मूवी है। जिस मूवी के अंदर में कहानी देखने को मिलती है 1979 के समर की, जब कुछ बच्चे शूटिंग करने के लिए गए होते हैं, मतलब ये लोग एक मूवी बना रहे होते हैं बच्चों वाली, जिसकी शूटिंग के लिए ये लोग रेलवे स्टेशन पे आते हैं ताकि ये लोग शूटिंग कर सके। लेकिन वहां पे इनके कैमरे में एक बहुत भयानक दृश्य कैद हो जाता है, क्योंकि वहां पे एक मालगाड़ी पलट जाती है, अपनी पटरी से उतर जाती है और क्रैश हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत तबाही मचती है। लेकिन उस तबाही से भी ज्यादा एक बहुत बड़ी तबाही उस मालगाड़ी के एक डब्बे के अंदर होती है, जो वहां से निकल कर भाग गई उस टाउन के अंदर, जिसके बाद अगले ही दिन उस पूरे टाउन को मिलिट्री घेर लेती है। तो आखिर ऐसी कौन सी चीज थी उस मालगाड़ी के कंटेनर के अंदर, जिसकी वजह से मिलिट्री ने पूरे टाउन को घेर लिया, वो आप इस मूवी के अंदर देखिए। मूवी हिंदी में अवेलेबल है, इसको रेटिंग 7.0 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट मूवी आई एम नंबर 4, जो मूवी 2011 में आई, एक एक्शन एडवेंचर साइंस फिक्शन मूवी है। इस मूवी के अंदर आपको कहानी देखने को मिलेगी कुछ एलियंस की, जो लोग पृथ्वी के ऊपर आकर रह रहे हैं ताकि ये लोग बच सकें कुछ बहुत खतरनाक इंटरगैलेक्टिक बाउंटी हंटर से। ये लोग अपने गार्डियंस के साथ में रह रहे हैं ताकि ये लोग छुप कर रह सकें इंसानों के बीच में। वैसे इंसानों की तरह ही दिखते हैं, खाली इनके पास सुपर पावर्स होती हैं, लेकिन वो बाउंटी हंटर्स इन लोगों को मारना चाहते हैं। पर वो बाउंटी हंटर्स किसी को भी ऐसे ही नहीं मार देते, वो लोग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सबको मारते हैं, मतलब कि पहले वो नंबर 1 को मारेंगे, फिर 2 को, फिर 3 को, और बारी नंबर 4 की, यानी हमारे मूवी के हीरो की। अब ये कैसे बचता है उन खतरनाक बाउंटी हंटर से, वो आप इस मूवी के अंदर देखिए। ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है, इसको रेटिंग्स में 6.1 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट मूवी पाउल, जो 2011 में आई है, एक एडवेंचर कॉमेडी साइंस फिक्शन मूवी है। इस मूवी के अंदर में कहानी देखने को मिलती है दो अंग्रेजों की, यानी कि इंग्लिश मैन्स की, जो लोग अमेरिका गए होते हैं। अब चाहे ये लोग कहीं पर भी चले जाएं, अमेरिका, ब्राजील, फ्रांस, कहीं पर भी चले जाएं, अंग्रेज तो अंग्रेज हैं। अमेरिका वाले भी इनको अंग्रेज कहेंगे, क्योंकि लंदन के लोगों को अंग्रेज ही कहा जाता है। ये लोग एरिया 51 के बहुत बड़े फैन होते हैं, एलियंस के भी बहुत बड़े फैन होते हैं, इसलिए ये लोग एरिया 51 देखने जाते हैं। वहां पे लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि इन्हें कुछ सीक्रेट प्रोजेक्ट दिखेंगे, छोटे मोटे UFO उड़ते हुए दिखेंगे, लेकिन वहां पे इन्हें एक जीता जागता एलियन ही दिख जाता है। उनसे इनकी मुलाकात होती है, जिसकी वजह से इनमें से एक तो वहीं पर बेहोश हो जाता है, लेकिन दूसरा किसी तरह अपने आप को संभालता है। तब उसको पता लगता है कि ये एलियन तो काफी फ्रेंडली है, ये लोग आपस में दोस्त बन जाते हैं और निकल पड़ते हैं एक लंबे सफर में। लेकिन इन लोगों को एक चीज नहीं पता होता कि एरिया 51 की फोर्स और बहुत सारे एलियंस इन लोगों के पीछे पड़े। आगे क्या होता है आप इस मूवी के अंदर देखिए। ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है, इसको रेटिंग 6.9 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट मूवी इन टाइम, जो मूवी एक एक्शन साइंस फिक्शन थ्रिलर मूवी है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक ऐसी दुनिया की, जहां पे 25 साल के बाद किसी की भी एज नहीं बढ़ती, क्योंकि यहां पे टाइम का राज चलता है। यानी कि यहां पे काम करने के बदले में आपको टाइम मिलता है, किसी भी तरह की सेवा देने के बदले में आपको टाइम मिलता है, और यहां पे सबसे कीमती चीज टाइम है। अगर आपके पास टाइम है तो आप करोड़ों साल तक जी सकते हैं, लाखों साल तक जी सकते हैं, लेकिन अगर टाइम नहीं है तो आप एक सेकंड भी नहीं जी सकते, क्योंकि यहां पे टाइम का आदान प्रदान होता है। अगर आप मरने भी वाले हैं और अगर आपको करोड़ों साल का टाइम दे दिया जाए, क्योंकि यहां पे टाइम पैसे की तरह होता है, तो आप करोड़ों साल तक जी जाएंगे, आपकी सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। वैसे इस मूवी के अंदर कोई बीमार ही नहीं होता, लोग मरते हैं क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होता। इस वजह से इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है हमारी मूवी के हीरो की, जिसके पास काफी कम टाइम होता है, लेकिन फिर भी इसकी मुलाकात एक बहुत अमीर आदमी से होता है। वो मरने वाला होता है क्योंकि उसको सुसाइड करना होता है, इसलिए वो अपना सारा टाइम, हजारों साल का टाइम इसे दे देता है और खुद सुसाइड कर लेता है, जिसके बाद पुलिस को ये लगता है कि इसने उसका मर्डर किया है टाइम लेने के लिए। जिसके बाद अभी किस तरह अपने आप को बेगुनाह साबित करता, वही आपको इस मूवी के अंदर देखना है। ये मूवी इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है, आप इसको प्राइम वीडियोस पर देख सकते हैं। इस मूवी को रेटिंग्स में 6.7 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट मूवी कॉबॉयज एंड एलियंस, ये मूवी 2011 में आई है, ये एक एक्शन साइंस फिक्शन थ्रिलर मूवी है। इस मूवी के अंदर में कहानी देखने को मिलती है एरिजोना की 1873, यानी बहुत समय पहले की, जब टेक्नोलॉजी जैसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता था पृथ्वी पर। उस समय की कहानी दिखाई गई है, जहां पे एक एलियन स्पेसशिप आकर उतरता है एरिजोना के अंदर, ताकि वो लोग पृथ्वी को ओवरटेक कर सकें, जिसके लिए सबसे पहले वो वहां के वेस्ट रीजन के ऊपर आक्रमण कर देते
देते हैं ताकि वहाँ पे वो लोग पहले कब्जा करें, उसका धीरे धीरे पूरी पृथ्वी पर कब्जा कर लें। लेकिन उनके रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट होती है वहाँ के काउबॉयज और साथ में वहाँ के नेटिव लोग, जो लोग पहाड़ की तरह इनके रास्ते में खड़े होते हैं। आप कैसे एलियंस से ये लोग लड़ते हैं, क्योंकि इनके पास तो कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन एलियंस के पास बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है। वो लोग लाखों लाइट ईयर्स दूर से आए हैं पृथ्वी पर। ये लोग कैसे उनसे जीतते हैं, वही आपको इस मूवी के अंदर देखना है। ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है, इसको रेटिंग्स में 6.0 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट मूवी रियल स्टील, जो मूवी 2011 में आई थी, ये एक एक्शन ड्रामा साइंस फिक्शन मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई उस समय की, जब पृथ्वी पर बॉक्सिंग बैन कर दी जाती है, यानी कि ह्यूमन बॉक्सिंग बैन कर दी जाती है, क्योंकि उसमें काफी लोग मारे जाते हैं। जिसके बाद रोबोट बॉक्सिंग स्टार्ट होती है, जो पहली बॉक्सिंग कई गुना ज्यादा इंटरटेनिंग होती है। इसके अंदर बड़े बड़े रोबोट्स लड़ते हैं और उनकी पावर्स देख के लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, उनका साइज महाकाय होता है। इसीलिए इस गेम को, यानी कि बॉक्सिंग को, वर्ल्ड लेवल पे खेला जाता है। दुनिया के बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स आते हैं अपने रोबोट्स को लेके, ताकि वो लोग इस चैंपियनशिप को जीत सकें। इसी बीच कहानी दिखाई गई हमारी मूवी के हीरो की, जो बहुत सारे पैसे खर्च करके एक रोबोट खरीदता है ताकि बॉक्सिंग करके उसके जरिए वो पैसे कमा सके। लेकिन वो रोबोट एक ही बार में चित हो जाता है, सारे पैसे डूब जाते हैं। लेकिन इसके बेटे को कचरे में एक रोबोट मिलता है, जो सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए होता है, जिसपे बड़े बड़े रोबोट्स प्रैक्टिस करते थे। लेकिन ये रोबोट लड़ने के लिए नहीं होता है, बॉक्सिंग करने के लिए नहीं होता, लेकिन इसके बेटे की जिद है किसी भी तरह इसकी मदद से बॉक्सिंग करेगा। आगे क्या होता है आप इस मूवी के अंदर देखिए। ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है, इसको रेटिंग्स में 7.0 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट मूवी ट्रांसफॉर्मर्स डार्क ऑफ द मून, ये एक एक्शन एडवेंचर साइंस फिक्शन मूवी है। ट्रांसफॉर्मर्स की सीरीज का थर्ड पार्ट है। इस मूवी के अंदर में कहानी देखने को मिलती है डिसेप्टिकॉन्स की, जिन लोगों को पता लगता है कि कई साल पहले चांद के ऊपर एक स्पेसशिप आकर क्रैश हुआ था, जिसके अंदर कुछ ऐसी चीजें जिनकी मदद से वो पूरी पृथ्वी को जीत सकते हैं और पहले से बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो सकते हैं, जिसके बारे में ऑटोबोट्स को भी पता लग जाता है। वो किस तरह रोकते हैं डिसेप्टिकॉन्स को पृथ्वी पर कब्जा करने से, वही आपको इस मूवी के अंदर देखना है। ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है, आप इस मूवी को प्राइम वीडियोज पर देख सकते हैं, पर हो सकता है वहां पर ये इंग्लिश लैंग्वेज में ही अवेलेबल हो। इस मूवी को रेटिंग्स में 6.2 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट मूवी एक्समैन फर्स्ट क्लास, जो मूवी 2011 में आई थी, एक एक्शन साइंस फिक्शन एडवेंचर मूवी है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक्समैन की, यानी ऐसे इंसानों की जो लोग बाकी इंसानों से अलग होते हैं, इनके पास सुपर पावर्स होती हैं। हर म्यूटेंट के पास अलग अलग तरह की सुपर पावर्स होती हैं, किसी भी सुपर पावर सेम नहीं होती और सब लोग बहुत ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। इसीलिए इंसानी समाज में इनका जगह बनाना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि इंसान इन लोगों को पसंद नहीं करते, क्योंकि इंसानों से अलग है और इनकी संख्या काफी कम होती है। जिसके बाद प्रोफेसर एक्स इन सभी लोगों को ढूंढने निकल पड़ते हैं, ताकि ये इन सभी बच्चों को जिनके पास सुपर पावर्स हैं उनको लेकर आए अपने स्कूल के अंदर, इनको एक अच्छा व्यक्ति बनाएं, ताकि समाज के अंदर इनका भी मान सम्मान हो। लेकिन इनके लिए और साथ में यूनाइटेड स्टेट्स और पूरी दुनिया के लिए समस्या उस समय बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जब कुछ म्यूटेंट जो बहुत ख़राब हैं वो लोग रशिया को उकसाने लगते हैं World War III के लिए, जिसकी वजह से अमेरिका तो चिंता में है ही, साथ ही साथ पूरी दुनिया घोर संकट में आ गई, क्योंकि अगर विश्व युद्ध 3 हुआ तो पूरी दुनिया में कुछ भी नहीं बचेगा। ऐसे में हमारे हीरोज़ किस तरह रोकते हैं उन सभी लोगों को, वही आपको इस मूवी के अंदर देखना है। आप डायरेक्टली इस मूवी को भी देख सकते हैं, इससे पहले के पार्ट्स देखने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने भी डायरेक्टली इसे देखा था और मुझे काफी अच्छी तरीके से ये मूवी समझ में आई थी। ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है, इसको रेटिंग्स में 7.7 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी फर्स्ट मूवी सोर्स कोड, जो मूवी 2011 में आई, एक एक्शन ड्रामा मिस्ट्री मूवी है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक आदमी की, जो अपने आप को अचानक से एक ट्रेन के अंदर पाता है, जहां पे वो बहुत से लोगों को देखता है लेकिन किसी को भी नहीं पहचान पा रहा। यहां तक कि उसके सामने एक लड़की है जिसे भी वो नहीं पहचान पा रहा, लेकिन वो लड़की उसे काफी अच्छी तरीके से जानती है। वहाँ से उठकर जाता है, देखता है शीशे में अपने आप को, उसको वहाँ पे अपना चेहरा नहीं दिखता, किसी और का चेहरा दिखता है, जिससे वो काफ़ी परेशान होता है। ट्रेन के अंदर इधर उधर वो ढूंढ रहा होता है, ताकि किसी को पहचाने, किसी तरीके से कुछ ना कुछ उसको पता चले, लेकिन इतने में ट्रेन ब्लास्ट हो जाती है, जिसकी वजह से वो मर जाता है। और मरते ही सीधे वो एक चैम्बर के अंदर उठता है, जहाँ पे उसे बताया जाता है कि वो एक खास तरह के प्रोजेक्ट का हिस्सा बन चुका है, जिसके तहत उसको 8 मिनट पीछे पास्ट में भेजा जा रहा है, क्योंकि एक ट्रेन ब्लास्ट हो गई जिसके अंदर बॉम्ब रखा गया था। और वही बंदा जिसने उस ट्रेन के अंदर बॉम्ब रखा था, वो एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर अटैक करने वाला अमेरिका के अंदर, और उसे जल्दी से जल्दी नहीं रोका गया तो अमेरिका के अंदर बहुत भारी तबाही मचेगी। उसका पता खाली तुम ही लगा सकते हो उस ट्रेन के अंदर जाके। तुम्हें हर बार वहां पे जाना 8 मिनट के लिए और पता लगाना उन 8 मिनट के बीच में कि आखिर वहां पर किसने बॉम्ब रखा है। इसी तरह अमेरिका को बचाया जा सकता है, जिसके बाद ये मान जाता और हर बार जाने लगता 8 मिनट के लिए टाइम ट्रेवल करके। आगे क्या होता आप इस मूवी के अंदर देखिए। ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है, इस मूवी को रेटिंग्स में 7.5 आउट ऑफ 10 IMDb पर। इस मूवी को आप Amazon प्राइम वीडियोस पर देख सकते हैं, पर वहां पर ये मूवी सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही अवेलेबल है। सो गाइस, मैं आशा करता हूं आपको वीडियो बहुत पसंद आई। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।